उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन का क्या होगा? उपचुनाव की 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। गठबंधन को लेकर अखिलेश ने क्या बताया? हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मतदान के परिणाम आने के बाद अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर चर्चा तेज है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है। सपा ने उनकी मांग नहीं मानी और 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। कहा जा रहा है कि सपा कांग्रेस को गाजियाबाद विधानसभा सीट दे सकती है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इसके बाद से ही कांग्रेस और सपा के गठबंधन की चर्चा तेज है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस जिन सीटों को अपने लिए मांग रही थी उन सीटों पर भी सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, इसलिए अब कहना मुश्किल होगा कि यूपी में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन रहेगा या नहीं। हालांकि अब इस मुद्दे पर खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने क्लियर किया यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने सैफई में अपने पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपचुनाव के बारे में आज बहुत कुछ नहीं बोलना। उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन जारी रहेगा। आपको बता दें कि इससे ठीक पहले सपा के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने कहा था कि ये साबित हो गया कि क्षेत्रीय दलों के बिना कांग्रेस भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस ने हरियाणा में सपा का कोई जन आधार नहीं बताकर अनदेखी की। फिर सपा मुखिया ने बड़ा दिल दिखाया और हरियाणा में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। महाराष्ट्र में हमारा संगठन है और हमारे विधायक भी हैं, लेकिन कांग्रेस यूपी के उपचुनाव में 5 सीटें मांग रही है। इसका मतलब ये है कि वे गठबंधन को आगे नहीं ले जाना चाहती। उनके प्रदेश अध्यक्ष 10 सीटें लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास संगठन है कहाँ। 2022 के चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं सपा वहां कई सीटों पर पहले नंबर पर थी, जबकि कांग्रेस चौथे या पांचवें स्थान पर रही है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि हरियाणा में प्रदर्शन के बाद यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को जो मिले जितनी सीटें मिले गठबंधन में वो सही है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर वे कमजोर स्थिति में हैं। कांग्रेस अब बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है और इसका असर 2027 तक रहने वाला है।